નમસ્કાર, હું મિથુન. આપ જોઈ રહ્યા છો નૂન ટાઈમ ન્યૂઝ. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ મહત્વના સમાચારની, તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં થઈ રહેલા સતત ભારે વરસાદના કારણે ઝેલમ અને દરહાલી નદી ખતરાના નિશાનથી ઉપર વહી રહી છે. તો વરસાદને પગલે કાશ્મીરની તમામ શાળાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. મોસમ વિભાગે એક અઠવાડિયા પહેલા જ વરસાદને લઈને તમામ રાજ્યને એલર્ટ કરી દીધા હતા. ધોધમાર વરસાદના કારણે દરહાલી નદી ખતરાના નિશાનથી ઉપર વહી રહી છે. ત્યારે અધિકારીઓએ સ્થાનિક રહેવાસીઓને નદીથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી છે અને સૌને સુરક્ષિત જગ્યાએ જતા રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. આજે તમામ શાળાઓને બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સતત થઈ રહેલા વરસાદના કારણે અનેક જગ્યાએ ભૂસ્ખલનની પણ ઘટનાઓ બની છે, જેના કારણે રસ્તાઓ પર વાહનોની લાંબી લાઇનો લાગી છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને લઈ રાજ્યની હાલની પરિસ્થિતિ પર રાજભવનમાં રાજ્યપાલ NN વોરાએ ઇમરજન્સી મિટિંગ બોલાવી છે અને સમગ્ર સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. જિલ્લામાં શાળાઓ પણ બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને જે રીતે ઝેલમ નદી જે સ્થિતિથી ઉપર વહી રહી છે, સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે, સતત ભારે વરસાદના કારણે જમ્મુ કાશ્મીરમાં હાલમાં જે સ્થિતિ સર્જાઈ છે, તો જગ્યાએ જગ્યાએ પાણી ભરાયેલા છે. સ્થાનિક લોકોને નદીથી દૂર રહેવાની પણ ખાસ કરીને ચેતવણી આપવામાં આવી છે અને હવામાન વિભાગે પણ પહેલાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જે રાજ્યો છે તેમાં વધુ વરસાદ પડી શકે છે અને પૂરનો પણ ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. તો ઝેલમ નદી છે તે હાલમાં સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે. बहुत बारिश गिर रहा है यहाँ बड़गाम से या पुलवामा से. इस साइड में देखो कितना बारिश है. अगर आज भी बारिश इतना पड़ेगा कल बहुत सैलाब आ जाएगा श्रीनगर में गाँव में. अब ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा क्या ना होगा है, बहुत परेशानी है. अगर बारिश गिर गया तो बहुत नुकसान होगा. सरकार से तो मैं यही अपील करूँगा कि एटलीस्ट तो जो लोग इसके नज़दीक रह रहे हैं जैसे बादशाही बाग हो गया, लसजन हो गया, प्लीज चेक आउट द बांड रेगुलरली दैट कहीं पे लास्ट टाइम की तरह बांड टूट ना जाए. सो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई. सो प्लीज़ उनका देख लीजिए कि उनका फूड वाटर एंड शेल्टर जो भी है. सो जो गवर्नमेंट को एक्चुअली करना चाहिए. जो आप अनंतनाग की बात करो, कल हम शॉप पे बैठे, बहुत ज़्यादा पानी चढ़ रहा है, तो इसके बारे में कोई फ्लड वाले या यहाँ तो समझो गवर्नमेंट आप गिर ही गई तो फ्लड वाले इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है. 2014 में यहाँ के लोग जो है बेघर हो गए हैं. आपने देखा होगा, इंतजामिया ने देखा है 2014 में क्या यहाँ मुसीबत हो गया है. पूरे कश्मीर में घर घर बेघर लोग हो गए हैं. इसलिए हम इंतजामिया से ये कोशिश करना चाहते हैं, आप इस वक्त कुछ कीजिए. 2014 का मसला नहीं बनना चाहिए कश्मीर में. આ વિશે વધુ માહિતી મેળવીએ અમારા શ્રીનગરના સંવાદદાતા સૈયદ તાજમુલ પાસેથી. સૈયદ, જિસ તરહ સે અભી બારિશ ગિર રહી હૈ ઉસ વજહ સે જો માહોલ બના હુઆ હૈ, ક્યા હૈ હાલ મેં વો વહાં પે પરિસ્થિતિ? देखिए, आज सुबह जी मीडिया की टीम ने लसजन, सोयटेंग और मेहजूनगर के आसपास के इलाकों का दौरा किया और दौरे के दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है पानी का लेवल जो है वो कई इलाकों में बढ़ रहा है और कई दरियाओं में जो है पानी का लेवल कम हो रहा है. यानी एक खुशाइंदा बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ये एक अहम जगह पर हमने देखा कि पानी का लेवल जो है वो नीचे आ रहा है. लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मकामी विधायक से और बाकी लीडरों से लोग काफी नाला हैं, काफी नाराज हैं और लगातार कह रहे हैं कि अगर विधायकों ने इस साल काम किए होते और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज उठाने चाहिए थे, जो भी इशू थे उन्हें एड्रेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफी गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है. रियासती गवर्नर NN वोहरा ने आला सतही मीटिंग बुलाई है जिसमें इस वक्त फौज, पुलिस, सिविल इंतजामिया के आला अफसरान जो है वो मौजूद है और मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है. जहाँ एक तरफ अमरनाथ यात्रा और इस बीच मौसम विभाग की जो पेशगोई है कि आज दोपहर के बाद जो है मौसम बेहतर हो जाएगा, उसके बाद जो मौसम है वो अगले दो दिन के लिए दोबारा वर्षा हो सकती है. अभी भी जीरो ब्रिज, राजबाग और उसके आसपास के इलाकों में हमने देखा कि पानी का लेवल बढ़ जाने से जो यूथ है, जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने घरों से बाहर आए हैं और भरपूर तरीके से हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं. लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको बताऊं कि NDRF की टीमें जो है स्टेट गवर्नमेंट की वो मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है. उन्होंने अपना जो है स्विमिंग जैकेट्स वगैरह पहन रखे हैं ताकि
किसी भी इलाके में अगर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, किसी इलाके में अगर किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। कुल मिलाकर रियासती सरकार, प्रशासन, पुलिस और बाकी अफसरान जो है मीटिंग रूम में हिदायत जारी किए जाते हैं कि किस तरह से वो जल्द से जल्द इलाकों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे दें। लेकिन वर्षा अगर रुक जाती है, अभी कुछ देर बाद अगर मौसम में बेहतरी आ सकती है, मौसम विभाग ने दो दिन के लिए फिर वर्षा की जो पेशगोई की है, अगर वो नहीं हो पाई तो हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। जी 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 जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिर से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो पवित्र अमरनाथ यात्रा में आज वेली सवारे बम बम भोलेना नाथ साथ आगर जती अमरनाथ यात्रा ने बालताल अने पहलगाम खाते फरीथी रोकी देवाई छे। सतत वरसता वरसाद ने कारण आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। छेल्ला बे दिवस थी वरसता वरसाद ना कारण हवामान बगड़ियुं हतुं, जेना कारण आज सवारे पण अमरनाथ यात्रा ने रोकी देवामां आवी हती। अमरनाथ में वरसाद ने लीधे यात्रा रोकाता 20,000 श्रद्धालु अटवाई गया छे। अहेवाल अनुसार वरसाद बंद थता स्वच्छ हवामान बाद ज अमरनाथ यात्राना श्रद्धालुओना काफलाने आगळ वधारवामां आवशे। अमरनाथ यात्रा ने रोकी देवाई छे अने हजार थी वधु जे यात्राळुओ छे तेओ दर्शन कर्या वगर ज पाछा फर्या छे। अत्यार सुधी मात्र 1100 થી 1200 જેટલા જ યાત્રાળુઓ દર્શન કરી શક્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આ વખતે અમરનાથ યાત્રાળુઓની સાથે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે, પણ વરસાદના કારણે આજે મુશ્કેલી થઈ રહી છે। અમરનાથ યાત્રાળુઓ જે 20,000 જે શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ હાલમાં રોકાઈ ગયેલા છે। અમારી સાથે સૈયદ તાજમુલ જોડાઈ ગયા છે, અમારા સંવાદદાતા। સૈયદ, જિસ તરહ સે જો અમરનાથ યાત્રા હૈ બારિશ કી વજહ સે રૂકી હુઈ હૈ, હાલ મેં જો अभी जो बारिश की जो परिस्थिति है वो क्या है और किस तरह से अभी कितने दिन तक बारिश गिरेगी ऐसा बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ये बात कही थी कि ऊपरी इलाकों में जिनमें पहलगाम, बालसर, चंदनवाड़ी और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भारी वर्षा हो सकती है, जिसके बाद न सिर्फ पर्यटकों बल्कि श्रद्धालुओं को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बीते दिनों में भी, बीती रात में भी जो श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद जो था उनमें पुलिस प्रशासन और लोकल इंतजामिया की मदद से घोड़े वगैरह वहां पे मौजूद रखे गए हैं ताकि उन्हें आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी कई एक इलाकों में हमने देखा कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में खेमों में बैठे हुए हैं और उनकी देखरेख के लिए पुलिस और इंतजामिया मौजूद है। अगले एक घंटे तक अब डिपेंडेंट करेगा मौसम, अगर चूंकि बादल हटना शुरू हो गए हैं और हल्की सी जो धूप है वो निकल आई है, वो इसका मतलब ये हो अगर वर्षा रुक गई तो जो भी यात्री हैं उन्हें आगे जाने की इजाजत हो सकती है। लेकिन अगले दो दिन फिर वर्षा क्या जो प्रिडिक्शन मेट डिपार्टमेंट ने किया है यानी कल और परसों के लिए, वो देखना होगा कि शाम देर गए तक और अमरनाथ यात्रियों को और जहां आगे बर्फानी टूटे भी हैं, आगे बहुत सारे खतरात भी हमने देखा कि कई साल हमने देखा कि जो हार्ट पेशेंट थे जो भी थे उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत दी गई आपकी बार जरूरत से ज्यादा, और गर्म कपड़ों का खास इंतजाम रखा जाए, आपके पास जो जूते आपने पहने हैं वो अच्छे हों और उसमें पानी का जो है कहीं पर भी खतरा ना हो कि पानी उसके अंदर जाने ज्यादा सहज, और पानी का खास गर्म पानी पिए, ये कुछ हिदायत है जो प्रशासन ने उनको जारी किए हैं ताकि आने वाले दिनों में जो है इस तरह का कोई भी चैलेंज यात्रियों को पेश ना आ सके। जी 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 सैयद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जे रीते वरसाद पड़ी रह्यो छे ने हाल में तो वादळों हटी गया छे अने खास करीने हाल में धीरे धीरे वातावरण नॉर्मल थई रह्यु छे, तो आज अमरनाथ यात्रा छे ते आगळ वधी शके छे, पण हजु बे दिवस जे रीते आगाही करवामां आवी छे वरसादनी तेना कारणे फरीथी अमरनाथ यात्रा रोकाय तेवी पण शक्यता छे। ચંદનવાડી થી પાછા પહેલગામ જઈ રહ્યા છે, પણ અમે જેવી કોઈ ભી હિસાબે અમે બાબાના દર્શન કરીને જ જવાના છે, જ્યાં સુધી દર્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે રોકાવાના જ છે। 3 તારીખે અમારે પાછું નવસારીમાં જવું છે, પણ હવે ગમે તે કરીને બાબાના દર્શન કરીને જવું છે અમારે। પરેશાની તો ઘણી થઈ છે, સવારના 5 વાગ્યાના આવ્યા છે, હમણાં પાછું એલાઉન્સ કરીને કે પહેલગામ પાછા જતા રહો, પહેલગામથી પાછું આવવાનું, પહેલગામ અહીંથી 16 કિમી છે અને પાછું 16 કિમી આવવાનું, આવા જવાની તો બહુ તકલીફ છે, જરૂર જવું છે, જરૂર જવું છે, બાબાના દર્શન જ કરવા